सारी बाराती बस में आराम से बैठे हुए हैं। शादी में खाना खाकर सभी बहुत खुश हैं। बस चकाचक भरी हुई है इतने में पल्लवी का पेट दर्द करने लगता है अरे यार इस पापी पेट को भी अभी दुखना था क्या मुसीबत है पल्लवी के पास में ही उसका नया नवेला पति सुरेश बैठा हुआ था वो बैठे बैठे ही सो गया था इतने में पल्लवी ने चुपके से बात मार दिया मजा आ गया उसकी दुर्गंध सुरेश तक पहुंची और सुरेश की नींद टूट गई वो कूद उठा अरे बाप रे इतनी बदबू भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या किसने किया ये किसने लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया पल्लवी चुप बैठी रही अभी अभी शादी हुई है मेरी अभी अगर पता चला कि मैं इतनी पाद मारती हूँ तो पता नहीं क्या होगा क्यों खाए मैंने इतने सारे मोमो पल्लवी को बचपन से मोमो और छोले भटूरे बहुत पसंद है और वो भी बाहर का वो जब छोटी थी तब स्कूल जाते वक्त उसकी माँ जानकी कहती थी बेटा आज टिफिन में क्या लेकर जाएगी कुछ नहीं माँ आपको टेस्टी खाना बनाना कहाँ आता है अच्छा तो फिर किसको आता है खाना बनाना रामू काका को वो स्कूल के बाहर मोमो बेचते हैं, मैं वहीं से टिफिन खा लूंगी पल्लवी घर में खाना पसंद नहीं करती थी उसको हमेशा बाहर ही खाना होता था बेटी बाहर का खाना मत खा तबीयत बिगड़ जाएगी कुछ नहीं होगा माँ आप चिंता मत कीजिए बाहर खाते खाते पल्लवी का पेट बिगड़ने लगा एक दिन वो अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी उसको पाद आ गया। उसने अरे कितना गंदा स्मेल है पहले दिन वो क्लास बंक करके बाहर घूमने चली गई जरा देखो तो यहाँ खाने की दुकानें कहा है और क्या क्या मिलता है यहाँ पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे की दुकानें ढूंढकर दुकाने निकाली और हर रोज खाने लगी वो एक एक दिन में दस दस प्लेट मोमो चट कर जाती थी ये देख कर एक दिन मोमो वाले ने उससे कहा अरे दीदी इतना भी मोमो खाना अच्छा नहीं होता इसमें मैदा होता है ज्यादा मैदा शरीर के लिए ठीक नहीं है ये सुनकर पल्लवी ने कहा तू ज्यादा ज्ञान मत दे चल और एक प्लेट मोमो लगा और सुन चटनी थोड़ी सी तीखी करना कल से मोमो खाने के बाद वो पास की दुकान में छोले भटूरे खाने चली गई अरे दीदी अभी अभी तो मोमो खाया आपने छोले भटूरे में भी मैदा ही होता है बाद में खाइएगा अरे तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दिए छोले भटूरे दे रहे हो या मैं जाऊँ दूसरी दुकान में ये सुनकर छोले भटूरे वाले ने पल्लवी से और बहस नहीं की पल्लवी के जाने के बाद उसने कहा ये लड़की कितना खाती है अरे बहुत जल्दी पेट खराब होगा इसका और वही हुआ भी पल्लवी बहुत ज्यादा मारने लगी चाहे घर में हो या कॉलेज में एक दिन क्लास में बैठे बैठे पल्लवी ने ऐसा बात मारा कि सबके होश उड़ गए अरे किसने किया है ये क्या खा के है बहन कितनी बदबू है आज क्लास खत्म इतनी बदबू में क्लास नहीं हो सकती पल्लवी मन ही मन हंसती रही <laughs> अरे वाह मेरे पाद में तो बहुत ही ज़्यादा शक्ति है क्लास ही बंद कर दिया मैंने तो <laughs> पल्लवी घर में भी पाद मारने लगी उससे घर वाले परेशान हो गए उसकी माँ जानकी ने कहा पल्लवी बेटी अभी से इतनी बदबू छोड़ेगी तो बाद में क्या होगा तेरा पति तुझसे परेशान हो जाएगा पल्लवी के पिता हरिहर ने कहा कोई बदबू सुनकर कर इससे शादी नहीं करेगा बेटी तू ये सब खाना छोड़ दे और मेरे साथ डॉक्टर के पास चल नहीं पापा मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और खाना तो मैं बंद नहीं करूंगी मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ हरिहर और जानकी परेशान हो गए उन दोनों ने पल्लवी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में एक लड़का उन लोगों को पसंद आ गया लड़के का नाम सुरेश था सुरेश को भी पल्लवी बहुत पसंद आई और शादी तय हो गई लेकिन पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे खाना नहीं रोका शादी से एक दिन पहले जानकी ने पल्लवी से कहा पल्लवी शादी तक तू ये सब मत खा नहीं तो शादी में बैठकर पाद मारती रहेगी अरे आप चिंता मत करो मां कुछ नहीं होगा शादी के बाद जो चाहे वो करना लेकिन शादी तक रुक जा बेटी पल्लवी ने कहा कि वो मोमो और छोले भटूरे शादी तक नहीं खाएगी लेकिन उसे भी पता था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकती शादी का दिन आ गया पल्लवी की सहेलियां सुबह सुबह चली आई अरे सुनना ललिता मैंने कल से मोमो नहीं खाया छोले भटूरे भी नहीं खाया मुझे ला देना नहीं पल्लवी तेरी माँ मुझे मारेगी फिर अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमारी दोस्ती की कसम ला देना ललिता मना नहीं कर पाई वो छुपकर बाजार गई और फिर छोले भटूरे और मोमो खरीद कर ले आई पल्लवी ने सुबह सुबह मोमो और छोले भटूरा खाया उसके पेट में गैस बढ़ने लगी दोपहर को भी उसने वही खाया उसके पेट में गैस और बढ़ गई शाम को सुरेश बारात लेकर आ गया लेकिन पल्लवी का मन सिर्फ खाने पर था शादी के स्टार्टर में मोमो था पल्लवी ने और मोमो खाया और फिर उसकी शादी हो गई सारी बाराती बस में चढ़ गए और पल्लवी सुरेश की गाड़ी में बैठ गई उसके हाथ में तब भी एक प्लेट मोमो था अरे मोमो बहुत पसंद है क्या तुम्हें हाँ बहुत पसंद है गाड़ी में बैठे बैठे पल्लवी सारे मोमो चट कर गई और फिर रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो गई अरे बाप रे इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था चलो पल्लवी हम दोनों बस में चढ़ जाते हैं दोनों बस में चढ़ गए वहाँ सारे बाराती बैठे हुए थे और बस चकाचक भरी हुई थी इतने में पल्लवी की पार ने सुरेश ने परेशान होकर कहा अरे बाप रे इतनी बदबू भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या किसने किया ये किसने लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कुछ देर बाद पल्लवी को फिर से बाध आ गई उसने बात किया और इस बारे बस में बदबू फैल गई सारे बारातियों ने अपनी नाक ढक ली अरे बाप रे कौन है ये दुल्हन के सामने पादने में शर्म नहीं आई शादी में थोड़ा कम नहीं खा सकते थे क्या क्या नई दुल्हन हमारे बारे में क्या सोचेगी पल्लवी अपने ही मन में सोचने लगी इन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं पाद रही हूँ लेकिन क्या करूँ पाद को रोकू कैसे ये सोचते हुए पल्लवी ने फिर से बात दिया और इस बार जोर से आवाज हुई पल्लवी शर्म से मर गई पल्लवी तुम इतनी देर से तुम पाद रही थी वो असल में हाँ बहुत ज्यादा मोमो खा लिए मैंने इतनी पाद तभी पल्लवी ने फिर से पाद दिया पूरे बस के लोग पागल हो गए सभी चिल्लाने लगे अरे बस रोको रोको दरवाजे खोलो खिड़कियाँ खोल दो भाई पाद कर पोल्यूशन कर दी है अरे बाप रे बचपन से अभी तक जो भी खाया है सब निकल जाएगा भैया बस रुक गई सारे लोग नीचे उतर गए और किसी किसी ने तो सच में उल्टी कर दी सुरेश ने पल्लवी से कहा पल्लवी ये क्या कर डाला तुमने तुम इतनी पदौड़ी हो माफ करना मुझे कभी कभी पाद निकल जाती है कभी कभी हर दो मिनट में पाद रही हो तुम सुरेश का बोलना खत्म ही नहीं हुआ कि तभी पल्लवी ने फिर ऐसी पल्लवी ड्राइवर के पास जाकर बैठ गई बस में से बदबू निकल जाने के बाद सभी बस में फिर से चढ़ गए बस चलने लगी लेकिन पल्लवी को फिर से पाद आ गई नहीं नहीं और नहीं पादना है और नहीं और नहीं और नहीं पल्लवी ने किसी तरह पाद को रोक लिया लेकिन उसके पेट में गैस जमने लगी पल्लवी ने कई बार पाद रोका लेकिन उसके बाद उसे इतनी जोर से पाद आई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई उसने इतनी जोर से पादा कि पूरी बस काम उठी और इतनी बदबू से सभी का सर चकराने लगा ड्राइवर उसके पास में ही बैठा हुआ था पाद की बदबू से ड्राइवर बेहोश हो गया और बस एक पेड़ से टकरा गई माफ कर दीजिए मुझे मुझसे गलती हो गई अरे गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी चलो अभी मैं तुम्हें आता हूं। सुरेश ने को घर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया पल्लवी को बहुत शर्म आई उसने रोते हुए हरिहर से कहा पापा आप सही थे मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए था माँ काश मैं आपकी बात सुन लेती आज से मैं वो सब नहीं खाऊंगी <laughs> पल्लवी समझ गई वो डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करके प्रॉब्लम समझा और फिर ट्रीटमेंट करके उसका पेट ठीक कर दिया पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे खाना छोड़ दिया और उसकी पाद मारने की आदत भी छूट गई उसके बाद सुरेश ने भी उसे अपना लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे अंजलि को डोली में बैठकर गांव से शहर का एक लंबा रास्ता पार करना था उसके हिसाब से वो डोली में बैठ भी गई और थोड़ी देर चलकर उसने एक पास अब थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन रास्ते में ऐसी गड़बड़ हो जाएगी उसे यह नहीं पता था सुबह से ही उसके पेट में कुछ अजीब सा हो रहा था आप बार बार पेट क्यों दर्द कर क्या ऐसा यह सुनकर अंजलि की माँ बिमला ने कहा था और खा उल्टी सीधी चीजें बार बार मना किया था शादी से पहले रास्ते की चीजें मत खा मत खा माँ अभी ये सब ज्ञान मत दो अंजलि ने बिमला को चुप करा दिया अंजलि बचपन से यही करती आई है वो खाना खाने में माहिर है जब तक खाना गले तक ना आ जाए तब तक अंजलि खाती ही रहती है बचपन में भी वो यही करती थी देखकर बिमला हमेशा परेशान रहती थी ऐसे मत खा बेटी इस तरह खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी कुछ नहीं होगा माँ मैं सब कुछ हजम कर लेती हूँ अंजलि तब छोटी थी इसीलिए उसकी हजम करने की क्षमता भी अच्छी थी लेकिन थोड़ी बड़ी होते ही अंजलि बार बार बीमार पड़ने लगी उसका पेट खराब होने लगा वो बार-बार शौचालय जाने लगी अरे बाप रे इसे लेकर आज चार बार हो गया आह पेट दर्द कर रहा है ओह इन सब के बावजूद अंजलि ने खाना नहीं छोड़ा उसे खाने का नशा चढ़ गया था और कुछ साल बाद अंजलि कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के बाहर की दुकानों से हर रोज उल्टी सीधी चीजें खाती रही और ऐसे ही उसका पेट खराब से और खराब होता गया लेकिन अंजलि दिखने में अच्छी थी इसीलिए उसके पीछे हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती थी ये देखकर बिमला ने उसके पति रामदास से कहा सुनिए जी बेटी बड़ी हो गई है अब उसकी शादी करवा देते हैं हाँ, मैं भी वही सोच रहा था शहर में मेरा दोस्त रहता है उसका बेटा अनुज अच्छी नौकरी करता है कहो तो उसी से बात चला कर देखू हाँ हाँ जरूर हरिहर जी अच्छे इंसान हैं ये तो हमारी बिटिया के लिए सौभाग्य की बात होगी रामदास ने हरिहर के साथ बात की हरिहर हर भी राजी हो गया अरे रामदास तेरी बेटी हमारी बहू बन के आएगी यही तो मैं हमेशा से चाहता था अच्छा हुआ कि तूने बात कर ली अनुज को भी अंजलि पसंद आ गई और अंजलि को भी अनुज पसंद आ गया इस तरह दोनों की शादी पक्की हो गई अंजलि की सहेलियां उसके घर आ गई अरे लाडो शादी पक्की हो गई है अब तो मुंह मीठा करा हमारा हाँ हाँ चलना बाजार में एक अच्छी मिठाई की दुकान है वहां चलते हैं लेकिन निकलते टाइम बिमला ने अंजलि से कहा देख बेटी अब तेरी शादी पक्की हो गई है अब बाहर से उल्टी सीधी चीजें मत खाना समझी हाँ माँ समझ गई आप चिंता मत करो अंजलि अपनी सहेलियों को लेकर उस मिठाई की दुकान में गई और सभी ने मिलकर बहुत सारी मिठाइयां खाई उसके बाद अंजलि ने कहा मुंह पूरा मीठा मीठा हो गया है कुछ नमकीन मिल जाता तो अच्छा होता तभी अंजलि ने देखा कि एक आदमी ठेला लगाकर छोले भटूरे बेच रहा है अरे वो रहा छोले भटूरे वाला हाँ चल खाते हैं नहीं अंजलि ये सब खाने से तबीयत खराब हो सकती है अरे कुछ नहीं होगा बचपन से कितना कुछ खाती आई हो कुछ नहीं होता अंजलि ने दबा कर छोले भटूरे खाए और फिर सभी घर चले गए उधर अनुज घर बैठकर अंजलि की फोटो देख रहा था कितनी सुंदर है ये लड़की भला ऐसी लड़की से शादी होगी ये तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था हम दोनों मिलकर बहुत खुश रहेंगे अनुज सपना देख रहा था और उधर अंजलि को सिर्फ खाने की पड़ी थी ऐसे ही शादी का दिन आ गया और सुबह से अंजलि का पेट बहुत दर्द करने लगा ने उसे कहा, देख बेटी आज तुझे डोली में बैठकर शहर जाना है आज कुछ मत खाना नहीं तो रास्ते में गड़बड़ हो जाएगी ठीक है माँ मैं कुछ नहीं खाऊंगी हम्म लेकिन फितरत कहाँ बदलती है शाम हो गई और अनुज घोड़े पर सवार होकर चला आया सभी लड़के को देखने के लिए चले गए और उसी मौके का फायदा उठाकर अंजलि सीधा खाने की जगह पर चली गई और चिकन तंदूरी से लेकर बिरयानी सब खा लिया उसके बाद उसकी शादी हो गई और वो डोली में बैठ गई तभी से उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा उसने एक आह अब थोड़ा ठीक लग रहा है डोली के सामने अनुज घोड़े पर सवार होकर चल रहा था लेकिन कुछ देर चलते ही घोड़ा बीमार पड़ गया और वो रुक गया आ, अरे अब क्या होगा अब कैसे जाऊंगा घर एक काम कीजिए दुल्हे राजा आप भी डोली में बैठ जाइए अनुज डोली में बैठ गया अंजलि ने खुश होने का बहाना तो किया लेकिन मन ही मन सोचने लगी अरे यार अब क्या होगा अब तो गैस भी नहीं निकाल सकूंगी कुछ देर डोली चली और अंजलि का पेट दर्द बढ़ गया अरे बाप रे अब क्या करूं? पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है अंजलि अपने आप को रोक नहीं पाई उसने फिर से पाद दिया लेकिन इस बार आवाज़ नहीं आई लेकिन उसकी बदबू से अनुज की जान निकल गई अरे बापरे गंदा स्मेल से आ रहा है पता नहीं जी लगता है आसपास कोई जानवर मरा है अंजलि ने झूठ बोलकर बात को संभाल लिया लेकिन आखिर कब तक संभाल पाती कुछ देर बाद उसके पेट से गुड़ आवाज आने ऐसी ये क्या हो रहा है अंजलि ये आवाज कैसी अब क्या बोलू ने बार बार मना किया था कुछ खाने के लिए लेकिन मैंने बात ही नहीं सुनी अंजलि को अब समझ में आया कि इतना भी खाना अच्छा नहीं होता है लेकिन उसे अभी भी डर है बस किसी भी तरह जल्दी से ससुराल पहुंच जाओ जाते ही मैं बाथरूम की ओर दौड़ लगाऊंगी लेकिन तभी डोली वालों ने डोली नीचे रख दी क्या हुआ डोली क्यों रुक गयी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर ले मैडम कब से चल रहे हैं रेस्ट लेने की क्या जरूरत है अरे अंजलि क्या प्रॉब्लम है वो लोग भी तो इंसान है हाँ इंसान है लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे प्रॉब्लम लेकिन कौन सी प्रॉब्लम अनुज ने ये पूछा ही था कि तभी अंजलि की से एक बात निकल गई उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी ने ये सुन लिया अंजलि ने रोते हुए कहा मुझे बहुत जोर की आई है मैं क्या करूं? आई है अरे बाप रे, लेकिन यहाँ कहाँ करोगी तुम और इस टाइम पे कैसे आ गई? मेरी गलतियों की वजह से हुआ ऐसा माँ ने मना किया था लेकिन मैंने बहुत खाना खा लिया अब उसी का फल भुगत रही हूँ सबके सामने शर्मिंदगी से मेरी नाक कटी जा रही है अरे कोई बात नहीं अंजलि ये तो किसी को भी हो सकता है ये तो नेचुरल है अनुज ने डोली वालों से कहा आ, अरे भैया यहाँ आसपास शौच करने के लिए कोई जगह है क्या यहाँ तो नहीं है साहब लेकिन आगे चल के एक तालाब है वहाँ झाड़ियों के पीछे किया जा सकता है डोली वालों ने डोली उठा ली और तालाब के पास ले गए अंजलि एक झाड़ी के पीछे चली गई और वहाँ वो हल्की हो गई और तालाब के पानी से उसने अपने आप को साफ कर लिया और फिर डोली में वापस आ गई आह अब हल्का लग रहा है अब समझिए अंजलि बाहर का खाना ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता हाँ जी अब मुझे समझ में आ गया है अब मैं सिर्फ घर का खाना खाऊंगी और कम खाऊंगी अंजलि समझ गई। अगले ही दिन से उसने डाइट शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसका पेट ठीक हो गया और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें